हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. वंस अगेन आई एम आशुतोष विद द न्यू टॉपिक. ओके, तो हम लोग रे ऑप्टिक्स में अभी तक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सीख गए थे, ठीक है, और कुछ सवाल भी बना के देखे थे मिरर पे. आज हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को देखेंगे. आपको बताए थे कि अगर लाइट रे ट्रैवल करता हुआ किसी मीडियम में आता है और किसी दूसरे मीडियम के सरफेस से टकराता है तो वहाँ पे तीन संभावनाएं होती है. टकरा के वापस लौटना, ये रिफ्लेक्शन था. जिस मीडियम में आ रहा है उसी मीडियम में लौट जाना, ये रिफ्लेक्शन था, पहली संभावना. दूसरी संभावना दूसरे मीडियम के द्वारा एब्जॉर्प्शन था. और तीसरी संभावना है कि लाइट अब दूसरे मीडियम में इन कर जाए. तो ये जो घटना है ये घटना रिफ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो आज इसी घटना को हम लोग थोड़ा डिटेल में देखें कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है. तो हम यहाँ पे दो मीडियम सिलेक्ट कर रहे हैं. ऊपर आपका एयर है और नीचे हम लोग ग्लास ले रहे हैं, ग्लास का एक स्लैब ले रहे हैं. ओके, तो ऊपर मीडियम है वन, नीचे मीडियम है टू. और उदाहरण में हम लोग एयर ऊपर ले लिए, नीचे ग्लास ले लिए. ओके, पहले वन और टू से समझे और उदाहरण के रूप में आप एयर और ग्लास ले सकते हैं. पर मान लेते हैं कोई एक रे इंसिडेंट हो रहा है, एओ रे. ये रे आया, ये मेरा इंसिडेंट रे हुआ. ओ पॉइंट से टकराया तो ओ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया. ओ पॉइंट पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर ले. तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल हो गया आई. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया. चलिए, अब अगर ग्लास नहीं होता तो लाइट क्या करता? लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, तो ये सीधी रेखा में निकल जाता. तो इस दिशा में ये आगे बढ़ जाता, ये लाइट की ओरिजिनल दिशा हो गई. लेकिन जैसे ही मीडियम में इन करता है तो हम देखते हैं कि लाइट की जो ओरिजिनल दिशा है वो चेंज हो गया, वो किसी दूसरे दिशा में मुड़ गया है. मान लीजिए इस दिशा में मुड़ गया तो ये आपका ओबी, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे कहलाएगा. तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया आर लेटर, ठीक है. तो अब हम डिफाइन कर सकते हैं द बेंडिंग ऑफ लाइट. लाइट अपनी ओरिजिनल दिशा से बेंड कर जाता है, मुड़ जाता है. वेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब एक मीडियम से ये दूसरे मीडियम में इन करता है तब इट्स कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो इसे ही हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे. तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करता है तो उसकी दिशा बदल जाती है. उसकी दिशा जो बदलने की जो घटना है दैट इज योर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो यहाँ हम डिफरेंट टर्म्स को पहले देखें. तो पहले ही हम बोले एओ क्या है, तो एओ आपका इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे मीन्स इनकमिंग रे, जो रे आके ट्रेवल करता हुआ आ रहा है और सरफेस से टकरा रहा है वो इंसिडेंट रे हो गया. और ओ क्या है, ओ है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, किस पॉइंट पे आके वो टकरा रहा है. क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन रे ऑप्टिक्स. क्योंकि इसी पॉइंट पे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं. नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद ही आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस का पता चलता है और तभी हम आगे अब डिसाइड कर सकते हैं कि या उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा. ये सब डिपेंडेंट है पॉइंट ओ पे ही. पॉइंट ओ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कैसा है वही आगे की दिशा डिसाइड करेगा. तो ओ हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. और हम लोग आगे देखें तो ओ भी क्या था, तो वो भी था रिफ्रैक्टेड रे. जब वो मुड़ के दूसरे मीडियम में इन करता है तब उसकी जो दिशा होती है वो रिफ्रैक्टेड रे हो गया. वो भी एंगल एन ओ एन डैश, हम ओ पॉइंट पे जो नॉर्मल ड्रॉ किए हैं वो नॉर्मल हो गया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. एंगल ए ओ एन, ठीक है,
ओ आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल बी ओ एन आर है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यह पहले भी आप देख चुके हैं। तो अब जब भी रिफ्रैक्शन होगा तो फिर यहां भी दो रूल को फॉलो किया जाएगा जिसको हम लोग रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे रिफ्लेक्शन में दो रूल था वैसे यहां भी आपके पास दो रूल है, तो दो रूल को फॉलो यहां भी किया जाएगा। तो पहला रूल क्या है? तो पहला रूल है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और जो आप नॉर्मल ड्रॉ किए हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों एक ही समतल में होगा। तो इंसिडेंट रे आपने जो नॉर्मल ड्रॉ किया वो, और जो रिफ्रैक्टेड रे है ये मुड़ के जो लाइट गया सो, ये तीनों चीज एक ही प्लेन में होगा। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ले रहे हैं, कॉपी पे लिख रहे हैं, तो तीनों कॉपी के सतह में ही होगा। वर्टिकल प्लेन ले रहे हैं तो तीनों वर्टिकल प्लेन में ही होगा। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होता है। दिस इज योर फर्स्ट रूल। ओके, अब सेकेंड रूल क्या होगा? तो अब सेकेंड रूल में थोड़ा सा यहाँ कम्प्लेक्सिटी है। सेकेंड रूल एक्चुअली क्या है तो आप ध्यान से देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये इक्वल होता था रिफ्लेक्शन के केस में, ठीक है। यहाँ हम देखते थे कि जितने एंगल पे आ रहा है उतने ही एंगल पे टकरा के ये लौट जा रहा है, ये रिफ्लेक्शन का केस था। तो जहां एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता था, लेकिन अगर रिफ्रैक्शन के केस में आएंगे तो रिफ्रैक्शन के केस में देखेंगे कि रे आया, हम नॉर्मल ड्रॉ किए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई आ गया, अब ये इसकी ओरिजिनल दिशा है, अब लाइट को मुड़ना है, मुड़ना है। अगर नहीं मुड़ेगा तो जितना एंगल आई है उतना ही एंगल आर होगा, अगर सीधा चला गया तो रिफ्रैक्शन में तो इसको बेंड करना है, तो बेंड करेगा तो या तो इधर मुड़ गया या इधर मुड़ गया। तो इस केस में जो एंगल आर बनेगा वो आई के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, या तो आई से छोटा हो जाए या आई से बड़ा हो जाए। तो यहाँ ये रूल तो काम करेगा नहीं। तो यहाँ के लिए हम एक दूसरा रूल बनाते हैं, जिस रूल का नाम हम लोग देते हैं स्नेल्स लॉ, सेकेंड रूल। तो सेकेंड रूल क्या है? स्नेल्स लॉ इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है उसका साइन ले लेते हैं, साइन आई, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है आर, उसका भी साइन ले लेते हैं, साइन आर, और इन दोनों का हम रेशियो निकाल लेते हैं, साइन आई बाई साइन आर। तो देखते हैं क्या, इट इज ए कॉन्स्टेंट, इसका वैल्यू सेम ही आ रहा है। इसको फिर फिगर से सब समझिए कि मान लेते हैं कि ये मेरा ग्लास का सिस्टम था, अब रे कोई इंसिडेंट हो रहा है, रे इंसिडेंट हुआ, हम नॉर्मल ड्रॉ किए तो ये एंगल बना आई, इस एंगल का साइन निकाल ली, और ये अगर लौटा इस दिशा में तो ये एंगल बना आर, अब इसका भी साइन निकाल लिया, और इन दोनों का साइन निकाल के हम भाग दिए, तो हम देख रहे हैं कि एक ही वैल्यू आ रहा है। एक ही वैल्यू का मतलब कि हम अलग अलग आई पे भेजे, रे को हम अलग अलग डिफरेंट एंगल्स पे भेजे तो आई बदलता जाएगा, आई बदलता जाएगा हर केस में, और अलग अलग आर भी आपको मिलेगा, आर भी बार बार बदलता जाएगा, अलग अलग आई के लिए अलग अलग आर मिलेगा। हम दोनों आई और आर का साइन निकाल के रेशियो निकालेंगे तो यू विल गेट ए कॉन्स्टेंट वैल्यू, एक फिक्स्ड वैल्यू मिलेगा। ये फिक्स्ड कब तक मिलेगा? जब तक ये दोनों जो पेयर है मीडियम का, जैसे ऊपर हम एयर और नीचे ग्लास ले रहे हैं, जब तक ये पेयर फिक्स है तब तक, ठीक है। पेयर आप बदल दीजिएगा तो फिर ये जो रेशियो आएगा वो भी फिर बदल जाएगा। तो इट इज ए कॉन्स्टेंट फॉर ए गिवेन पेयर ऑफ मीडियम, जो मीडियम का पेयर ले रहे हैं उसके लिए फिक्स आएगा, एंड फॉर ए गिवेन कलर ऑफ लाइट, और एक खास कलर के लिए भी ये फिक्स होगा। मान लीजिए हम रेड कलर के लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं तो एक वैल्यू आएगा, अगर हम ब्लू कलर को भेज दिए तो अब फिर दूसरा वैल्यू आएगा, साइन आई बाई साइन आर का अब सेकेंड वैल्यू आएगा। तो एक खास कलर के लिए ये फिक्स है, अलग अलग कलर लेंगे तो फिर मेरा वैल्यू बदल जाएगा। तो नाउ दिस इज योर स्नेल्स लॉ। तो इसको अब हम स्टेटमेंट दें कि स्नेल्स लॉ क्या है। तो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ
एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दी साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कॉन्स्टेंट. ओके, एंड इट इज ए कॉन्स्टेंट फॉर ए गिवेन पेयर ऑफ मीडियम एंड फॉर ए गिवेन कलर ऑफ लाइट. तब इसको मैथमेटिकली लिखिए, तो साइन आई बाई साइन आर का जो रेशियो है, ठीक है, दैट इज ए कॉन्स्टेंट, एक कॉन्स्टेंट है. और इस कॉन्स्टेंट का नाम हम लोग देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट, तो ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट. देखिए सेकेंड मीडियम का क्यों देते हैं, क्योंकि ये सेकेंड मीडियम है जो लाइट के दिशा को मोड़ रहा है, ऊपर का मीडियम फर्स्ट है, तो ये जो रे आया इसको अब सेकेंड मीडियम मोड़ने का बेंडिंग का काम कर रहा है. तो यहाँ इस मीडियम की एक प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस होती है, जो नीचे ग्लास है उसकी एक प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस हो रही है, जिस प्रॉपर्टी का नाम हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रहे हैं. तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम का होगा पहले मीडियम के रेस्पेक्ट में, मतलब पहले मीडियम में लाइट आ रहा था और दूसरा मीडियम है उसका ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको मोड़ने का काम करेगा, यही डिसाइड करेगा कि वो कितना मुड़ेगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो ज्यादा मुड़ेगा, कम है तो कम मुड़ेगा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट. ओके, तो नाउ साइन आई बाई साइन आर इज ए कॉन्स्टेंट, इन दोनों का रेशियो एक कॉन्स्टेंट है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट. अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो देखिए हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, या तो हम एटा लेटर से रिप्रेजेंट करें या म्यू लेटर से रिप्रेजेंट करें. ये दो लेटर यूज होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, एटा, इसका नाम है एटा और इसका नाम है म्यू. तो अब सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले के रेस्पेक्ट में है तो हम यहां लिखेंगे टू और वन, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रेस्पेक्ट टू वन. तो यहां भी टू वन लिख दे, तो एक तरीका ये हुआ एटा टू वन लिखना या म्यू टू वन लिखना. अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एटा टू हम नीचे लिख रख दें और वन ऊपर लिखें, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रेस्पेक्ट टू वन, या तो म्यू टू नीचे लिखे वन ऊपर लिखे, एक तरीका ये हो गया. सेकेंड तरीका टू को नीचे लिखना वन को ऊपर लिखना, और तीसरा तरीका ये एक ही साइड लिख रहे हैं, आप ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं वन इधर और टू इधर, वन ऊपर या टू इधर. ठीक है, तो देखिए ये जो तरीका है वन म्यू टू लिखने का, ये तरीका सबसे इजी तरीका है, इसमें कभी गलती नहीं होती. क्यों गलती नहीं होती है, तो देखिए इधर आपका ऊपर क्या है, ऊपर है आई, और आई किस मीडियम में बन रहा है, तो पहले मीडियम में बन रहा है इसलिए ऊपर आई लिख दिए, और आर दूसरे मीडियम में बन रहा है. अब फिगर एक बार फिर से देख लीजिए, ऊपर आपका मीडियम वन है, नीचे मीडियम टू है, ऊपर एयर है नीचे ग्लास है. फॉर एग्जाम्पल, तो रे जो आ रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बन रहा है वो पहले मीडियम में बन रहा है, मतलब आई बन रहा है वन में, और जो आर बन रहा है ये एंगल ये बन रहा है टू में. तो इधर ऊपर आई है तो यहां भी ऊपर हम वन डाल दें, और नीचे आर है तो यहां हम लोग टू डाल दें. तो इससे ये पता चलेगा कि हम लोग सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं वन के रेस्पेक्ट में. ओके, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी कि किसके रेस्पेक्ट में हम किस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं. तो यहां तक आप समझ गए, तो अब आ गया साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू वन म्यू टू. तो हम वन म्यू टू वाले कन्वेंशन को यूज करेंगे बिकॉज दिस इज दी मोस्ट सुटेबल मेथड, इसमें कभी गलती होने की संभावना नहीं रहती. तो साइन आई बाई साइन आर का वैल्यू वन म्यू टू आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रेस्पेक्ट टू वन. अब देखिए, अब हम साइन आई बाई साइन आर का वैल्यू निकाल के देखते हैं किसी भी पेयर के लिए. तो देखिए कि अगर वन म्यू टू का वैल्यू एक से ज्यादा आ रहा है, ठीक है, हम कोई भी दो मीडियम ऊपर ले रहे हैं, ऊपर एक मीडियम और दूसरा मीडियम टू, अलग अलग आई पे भेज रहे हैं, अलग अलग आर मिल रहा है, हम दोनों का साइन निकाल रहे हैं, दोनों का रेशियो निकाल रहे हैं, और रेशियो निकाल के वैल्यू अगर देखें, तो अगर वैल्यू वन से ज्यादा आ रहा है
इसका मतलब क्या हुआ कि 1 म्यू 2 को साइन आई बाई साइन आर लिखेंगे तो साइन आई बाई साइन आर विल बी ग्रेटर देन 1। इट मीन्स व्हाट कि साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर, क्रॉस गुना कर लिए, एंड इट मीन्स व्हाट कि आई इज ग्रेटर देन आर। इससे पता चला कि आई बड़ा है, आर छोटा है, ठीक है, ये एंगल बड़ा है, आई बड़ा है और आर छोटा है, आर कम गया, ये एंगल छोटा हो गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि इस कंडीशन में जो ये रे है, ये रे नॉर्मल की ओर मुड़ गया है, ठीक है। ये जो नॉर्मल है, ये जो ओरिजिनल दिशा है, ओरिजिनल दिशा है, तो अब इस लाइट को दो ऑप्शन है, या तो बाईं ओर इधर मुड़ जाए या दाहिनी ओर इधर मुड़ जाए, ठीक है। तो इधर मुड़ेगा तो नॉर्मल की ओर चला गया और इधर मुड़ा तो नॉर्मल से दूर चला गया, दो ऑप्शन था इसको मुड़ने के लिए। तो हम यहां देख रहे हैं कि आर छोटा हो रहा है, मतलब ये नॉर्मल की ओर चला जा रहा है। तो आई अगर बड़ा है आर से, ये कब होगा, जब 1 म्यू 2 का वैल्यू 1 से बड़ा आएगा तब। तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि जो ये दूसरा मीडियम था ये ऑप्टिकली डेंसर है पहले मीडियम की तुलना में, दूसरा मीडियम डेंसर है अगर नॉर्मल की ओर मुड़ जाता है तो। तो इसी को हम लोग जूनियर क्लास में याद रखते हैं कि लाइट अगर डेंस रेयरर मीडियम से डेंसर की ओर जाता है तो टुवार्ड द नॉर्मल मुड़ जाता है, ठीक है। ये कब आएगा, जब 1 म्यू 2 का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा तब। अब इसी सिचुएशन को हम रिवर्स कर लें, रिवर्स कर लें तो देखेंगे क्या आएगा। अगर हम 1 म्यू 2 का वैल्यू निकाल रहे हैं और ये 1 से छोटा आ रहा है, नाउ 1 म्यू 2 इज लेस देन 1, तो अब क्या होगा, तो साइन आई बाई साइन आर 1 से छोटा हो जाएगा। इस कंडीशन में साइन आई विल बी लेस देन साइन आर, तो अब आई विल बी लेस देन आर, इसका मतलब आई अब छोटा है, आर बड़ा हो गया। तो फिर से फिगर बना के देखें, अब आई का वैल्यू छोटा है, आर बड़ा है, तो अब ये जो एंगल है ये एंगल कम है, ठीक है, और ये ओरिजिनल दिशा हो गई। अब ये इधर की ओर अगर मुड़ जाए तो आर विल बी ग्रेटर, तो इस कंडीशन में ये नॉर्मल से दूर चला गया। तो आई अगर छोटा है, आर बड़ा है, तब हम कहेंगे कि रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर हो गया। तो इस कंडीशन में जो दूसरा मीडियम होगा ये कहलाएगा ऑप्टिकली रेयरर मीडियम देन 1, 1 के रेस्पेक्ट में दूसरा मीडियम रेयरर है, ठीक है, रेयरर देन मीडियम 1, ओके। तो यहां हम ध्यान रखेंगे, इसी को हम लोग याद रखते हैं कि अगर हम डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाते हैं तो नॉर्मल से दूर चले जाते हैं, ओके। तो ये सब डिसाइड होता है कि ये साइन आई बाई साइन आर का जो वैल्यू हम 1 म्यू 2 के रूप में निकालते हैं, ये 1 से बड़ा आ रहा है कि 1 से छोटा आ रहा है। इसी पे हम लोग मीडियम को डिसाइड करेंगे कि कौन सा रेयरर है, कौन सा डेंसर है, ओके। उम्मीद है यहां तक समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं, अब जो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं ये दो तरह का हो सकता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरह का होगा, एक को हम लोग कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, और दूसरे को कहेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का निकाले विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में, मतलब ऊपर का मीडियम वैक्यूम हो और नीचे कोई भी मीडियम हो, मान लीजिए यहां हम ग्लास ले रहे हैं, कोई भी हो, तो हम वैक्यूम में लाइट आ रहा था और इसको ये मीडियम मोड़ा, किसी दूसरे दिशा में बेंड कर दिया, तो अब जो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई बाई साइन आर का वैल्यू निकालेंगे तो उस समय जो हमें मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो जैसे यहां ग्लास ले रहे हैं तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी हो गया, किसके रेस्पेक्ट में, तो वैक्यूम के रेस्पेक्ट में, तो भी म्यू जी लिखेंगे, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम हो गया, तो दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक है। तो अगर हम भी ऊपर नहीं भी लिखते हैं, सीधे म्यू जी लिखते हैं, इट मीन्स यू आर टेकिंग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, अगर नथिंग इज रिटन अपवर्ड, ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है,
तो आप समझेंगे कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग निकाल रहे हैं। ओके, अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? तो अब फिर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए विथ रेस्पेक्ट टू एनी अनदर मीडियम एक्सेप्ट वैक्यूम। वैक्यूम छोड़ के आप कोई भी दूसरा मीडियम लीजिए, ठीक है, तब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे दैट विल बी कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्ट। रिलेटिव यहां भी है लेकिन वैक्यूम के रेस्पेक्ट में जब रिलेटिव निकालते हैं तब उसको एब्सोल्यूट कहते हैं, और वैक्यूम के अलावा जब कभी भी निकालते हैं तब उसको रिलेटिव बोलते हैं। ओके, तो मान लेते हैं ऊपर का मीडियम एयर है और नीचे ग्लास है, तो अब जो हम ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं साइनाई बाई साइनाई, तो नाउ इट विल बी कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो यहां तक आप समझ चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ लाइट के टर्म में भी समझ सकते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, इसको हम लोग समझ सकते हैं कि अगर हम इसे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ऊपर का मीडियम वैक्यूम था और नीचे का मीडियम कोई भी हो सकता है, तो ऊपर वाले मीडियम में मतलब वैक्यूम में लाइट की वेलोसिटी क्या है और मीडियम में लाइट की वेलोसिटी क्या है, इन दोनों का अगर हम रेशियो निकालते हैं तो हम लोग इसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो एब्सोल्यूट अब भी म्यू जी लिखे मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकाल रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास लिख सकते हैं। ओके, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो यहां हम देख रहे हैं, अब यहां पे एक चीज को एक और फॉर्मूला को देखते हैं। जैसे देखिए, अब मान लेते हैं हम दो मीडियम लेते हैं, ऊपर का मीडियम वन है और नीचे का मीडियम टू है। दो मीडियम ले लिए, वन म्यू और ये टू है। पहले मीडियम में लाइट आया इंसिडेंट रे, हम नॉर्मल ड्रॉ कर लिए, जो एंगल बना वो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, और ये रे लौटा तो जो एंगल बना वो एंगल ऑफ आर है। तो आप पढ़े अभी साइन आई बाई साइन आर को आप क्या लिखेंगे, वन म्यू टू लिखेंगे। ये इक्वेशन नंबर वन हो गया। अगर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ ऑफ लाइट, ये पहले भी आप पढ़े थे कि अगर लाइट की ओरिजिनल दिशा को हम उलट देते हैं तो लाइट अपने पुराने डायरेक्शन में वापस लौट आता है, ठीक है। तो हम इधर से रे को लिए इधर चला आया, और अगर हम इधर से रे को भेजे तो वापस चला जाएगा इस दिशा में। तो अगर हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ ऑफ लाइट लगाए तो क्या आ जाएगा, साइन आर बाई साइन आर। अब इधर से स्टार्ट करेंगे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, तो साइन आर बटा साइन आई लिखेंगे, तो आर अब दूसरे मीडियम में है तो ये टू म्यू वन हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू टू। ओके, तो ये सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब इन दोनों ही इक्वेशन को हम गुना कर लें तो देखिए क्या आता है। तो LHS में है साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर, और इधर वन म्यू टू इंटू टू म्यू वन। ओके, तो साइन आई बाई साइन आर और साइन आर बाई साइन आई, तो यहां दोनों कट गया, ये कट के इधर वन हो गया और इधर आ गया वन म्यू टू इंटू टू म्यू वन। तो वन म्यू टू इंटू टू म्यू वन इन दोनों का गुना करेंगे तो वन आ जाएगा। इसे वन म्यू टू को हम लिख सकते हैं वन बाय टू म्यू वन, ऐसा लिखा जा सकता है। इसका मतलब अगर आप दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले के रिस्पेक्ट में जानते हैं तो आप इसका रेसिप्रोकल निकाल लीजिए, तो पहले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रिस्पेक्ट में जान सकते हैं। ओके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वन म्यू टू इंटू टू म्यू वन इज इक्वल टू वन। इसको हम किसी भी नंबर ऑफ मीडियम्स के लिए एक्सटेंड कर सकते, इसको याद रखेंगे कि वन से हम टू में जाएं और टू से फिर वापस वन में आ जाए तो ये सब गुना होकर वन हो जाएगा। ऐसे सोचिए कि वन से वन कट गया और टू से टू कट गया तो वन आ जाएगा, ठीक है।
इस तरह से ये याद रखने के लिए हम कर सकते हैं, दिस कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी नंबर ऑफ मीडियम, किसी भी नंबर ऑफ मीडियम्स के लिए हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे देखिए, वन म्यू टू मतलब हम वन से टू में गए, फिर टू म्यू थ्री दूसरे मीडियम से तीसरे मीडियम में गए, इंटू थ्री म्यू फोर तीसरे मीडियम से चौथे में गए, और फोर म्यू वन हम फिर चार से वापस वन में आ गए। तो दो से दो कट गया, तीन से तीन कट गया, चार से चार कट गया, वन से वन कट गया, तो सबका प्रोडक्ट वन हो जाएगा। तो इट कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी नंबर ऑफ मीडियम्स। ओके, चलिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसे ध्यान रखेंगे। अब एक और चीज सीखते हैं कि हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लाइट के वेलोसिटी के टर्म में डिफाइन किए थे। अब अगर हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर लाइट के वेलोसिटी के टर्म में डिफाइन करना चाहें तो क्या करेंगे, जैसे वन म्यू टू मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रेस्पेक्ट टू वन, इसको वेलोसिटी ऑफ लाइट के टर्म में निकालना चाहें तो क्या करें। तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं, एक इक्वेशन लिखते हैं। अभी देखें कि आपके एनी नंबर ऑफ मीडियम्स के लिए ऐसा इक्वेशन लिख सकते हैं। तो हम वैक्यूम से आते हैं पहले मीडियम में, फिर पहले मीडियम से जाते हैं सेकेंड मीडियम में, और फिर सेकेंड मीडियम से आते हैं फिर वापस वैक्यूम में, तो इन तीनों का प्रोडक्ट वन हो जाएगा। देखिए, वन से वन कट गया, टू से टू कट गया, वैक्यूम से वैक्यूम कट गया, सब कट के वन हो गया। तो हमें वन म्यू टू को लिखना है लाइट के वेलोसिटी के टर्म में। तो वन म्यू टू को क्या लिखेंगे, वन म्यू टू विल बी इक्वल टू वन बाय, ये दोनों टर्म नीचे आ जाएगा, तो वन बाय वी म्यू वन इंटू टू म्यू वी, ये दोनों टर्म नीचे आ गया। तो वन म्यू टू, तो वन बाय वी म्यू वन इसको हम रहने दिए और इसको उलट दिए, क्योंकि आप जानते हैं कि वन म्यू टू इज इक्वल टू वन बाय टू म्यू वन, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो टू म्यू भी है, इसको भी म्यू टू लिखा जा सकता है वन बाय करके, तो वन बाय भी म्यू टू। अब ये भी म्यू टू ऊपर जाएगा तो आ गया वन म्यू टू को हम लिख सकते हैं वन म्यू टू इज इक्वल टू भी म्यू टू डिवाइडेड बाय भी म्यू वन। मीन्स भी हम नहीं भी लिखे तो काम समझ जाएंगे कि वैक्यूम के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो वन म्यू टू को हम लिखेंगे म्यू टू बाय म्यू वन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका बन गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रेस्पेक्ट टू वन, इट मींस व्हाट, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन, वन के रेस्पेक्ट में आप दूसरे का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अब जो ये एब्सोल्यूट आ गया, तो एब्सोल्यूट को हम लोग वेलोसिटी ऑफ लाइट के टर्म में जानते हैं, तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम टू लिख सकते हैं, और नीचे वाले को फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम वन लिख सकते हैं। तो ये वैक्यूम वाला दोनों टर्म कट जाएगा ऊपर वाला, तो आपको मिल जाएगा ये वन ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम वन बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम टू। ओके, तो वन म्यू टू को मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी हम लाइट के वेलोसिटी के टर्म में लिख सकते हैं। तो यहां भी सेम फॉर्मूला आ रहा है, वन ऊपर है तो पहले मीडियम में लाइट की वेलोसिटी, टू नीचे है तो दूसरे मीडियम में लाइट की वेलोसिटी, फिर इन दोनों का रेशियो निकाल ले। आप भी म्यू जी लिखे थे तो क्या आया था, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, जो ऊपर है उस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी, जो नीचे है उस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी, दोनों का रेशियो, यही आपका एब्सोल्यूट हो तब भी, रिलेटिव हो तब भी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट आप देख चुके हैं। ओके, तो उम्मीद है आज आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर